तो मेहरबानो ये जो अणखीर गांव की पार्टी आपके सामने इतिहास पेश करेगी वो इतिहास होगा आजादी के महानायक भारत मां के वीर सपूत। मेहरबानो किसी ने कहा है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले उस परम पिता परमेश्वर को याद किया जाता है, तो किससे से पहले एक भेंट और उसके बाद किससे की शुरुआत होगी सुनिए। तो मेहरबान हो ये जो होली चौपाई का प्रोग्राम आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है सिसोदिया कैसेट के माध्यम से पेश है, जिसके कलाकार हमारे गुरु महाशय श्री अतर सिंह पहलवान के परम शिष्य भाई महाशय अमित कंवर, जिनका साथ दे रहे हैं भाई वीरन बैंसला, भाई अनिल पहलवान तंवर, उधम सिंह तंवर, बिल्लू तंवर, अमित विधुड़ी, सुनील सरपंच, धर्मेंद्र भाटी, जीतराम भड़ाना, अशोक खटाना। बच्चों में साथ दे रहे हैं सिद्धांत तंवर, अरुण तंवर, अमन सिंह और मोहित धूड़ी। मेहरबानों जो साज पर साजेंद्री साथ दे रहे हैं ढोलक पर भाई सुनील, और चिमटा पर सोविंदर विधुड़ी, मंजीरा पर निशांत विधुड़ी और कुड़मची पर कपिल बेनीवाल, और जिन्होंने आशीर्वाद के रूप में हमें कुछ इनाम दिए 2100 रुपए बुद्धन सरपंच चोहड़पुर निवासी और 2100 रुपए धर्मपाल बैंसला चोहड़पुर निवासी, 2100 रुपए धर्म सिंह चपराना चोहड़पुर निवासी और 1100 रुपए श्री चेतन गिरी खुटी वाले बाबा। अरे क्या बैठी है सरदारी, क्या बैठी ओ क्या बैठी है सरदारी का मजूड़ मिल आया सारा सारा कैसे नहीं नर का जुड़े अखाड़ा हो जी। Thank you.
तुम मिल के आ जाओ भैया, इनमें हो तुम। जन्म दिवाया
एक चलती नहीं लिगड़ कहां कर जा। मेहरबानो सुभाष चंद्र बोस उनकी कैद से भागने की कोशिश करते हैं और अपना फिर प्लानिंग बदल लेते हैं, फिर जेल के अंदर सुभाष चंद्र बोस सो जाते हैं और आगे क्या सोचने लगे सुनिए।
झोपड़ी में भारत माता आ जाती है और क्या कहने लगती है सुनिए। बढ़ाना है।
Whoa!
ही उठ गए हो सवाल। मेहरबान हो जाओ अंग्रेज, सुभाष चंद्र बोस को उसकी जगह पर जाकर ढूंढते हैं, वो वहां पर नहीं मिलते, तो आगे उनके मन में क्या विचार आते हैं सुनिए। सुनाते सुनिए। हाँ जी, पहरे में ते बोस निकल गया, हो पहरे में ते बोस निकल गया, अंग्रेजन को
लगी। ओ तेरे में ते बहुत निकल खबर सारे देश में फैल जाती है। जब अंग्रेजी सरकार के गवर्नर को इस बात का पता चलता है तो वो कह देते हैं कि उस टाइम जो जेल का इंचार्ज था उसको पेश किया जाए। जनरल रंजन दास जब उसके सामने आते हैं तो क्या वार्तालाप होती है और ये बच्चे क्या सुनाते, सुनिए। यूं कहने लगे, ओ जिसने खोया है चोर वह पकड़ो अभी। I'm not afraid.
उसे गोली के मांडे ही उड़ा दो। जब ही मेहरबानो गवर्नर दास ऐसा हुक्म दे देते हैं और जनरल दास जब उसके सामने पेश किए जाते हैं तो क्या अरदास करने लगे सुनिए। माफी मांग लेते हैं कि मैं सुभाष चंद्र बोस को ढूंढ कर लाऊंगा। और आगे क्या लिखा कवि ने और ये बच्चे क्या सुनाते सुनिए। नहीं पीछे
और शहरों की बढ़ाई करी है। क्या लिखा इस रस्से में सुनिए। हाँ रे भैया यूपी के इनको मनते बतना ले सगाई। पावे पूछी भारी पावे पूछी।
चंद्र बोस ने अपना वेशभूषा बदले हुए था, नहीं पहचान सके। कुछ सकसा होता है, नहीं पिछड़ा सके, करण लगो भरम तो सारे भरण लगो। नाम पूछा न्यू कह दियो, और सुभाष चंद्र बोस नामुद्दीन बता दियो। मेहरबानो जनरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस से उसका नाम पूछते हैं तो अपना नाम वो दिन बता देते हैं। और आगे क्या लिखा कवि ने, और ये बच्चे क्या सुनाते सुनिए। Ah!
है खटके मेहरबानो, जब चंद्रंजन दास उसी डिब्बे में वापिस चढ़ जाते हैं तो सुभाष चंद्र बोस उसको देखकर समझ जाते हैं और आगे क्या करते हैं और ये बच्चे क्या सुनाते। सुनिए, क्या सुनाते। सुनिए, चल के
अरे होटल को घेरा घेर पुलिस ने दिया।
जगतराम जी अपने भाई को सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता देता है। एक नौजवान जिसने की क्रांति का बीड़ा उठाया है और अब हमारे देश को आजाद कराने से कोई नहीं रोक सकता। इसकी बातें करते हैं तो अगर कहां उनसे मिलने के लिए जाते सुनते हैं। Yeah!
समय काटे। मेहरबान है सुभाष चंद्र बोस की सारी घटना बनाने लगते हैं और आगे उत्तम चंद्र से क्या बातें करने लगते हैं सुनिए। जितनी धन संपत्ति जितने हथियार चाहिए उसको मैं लाके दूंगा।
और आगे किस तरह क्या वार्तालाप होती है और ये बच्चे क्या सुनाते सुनिए। बदनामी ने अरे गुलामी के आ रही बंधन में।
बात सुन ले मेरे भाई।
चंद्र बोस जी जर्मन पहुंच जाते हैं और वहां पर आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं, और जब वहां से वापस होते आते हैं तो 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद करा लेते हैं।